नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। जैसा कि आप जानते हैं, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने विश्व के सभी धर्म गुरुओं को आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। वहीं दूसरी तरफ मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी विश्व के सभी धर्म गुरुओं को चैलेंज किया है कि कोई उन्हें गलत साबित करे तो वो उसका अनुयायी होने के लिए प्रतिबद्ध अथवा तैयार है। डॉक्टर जाकिर नाइक की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए संत रामपाल जी महाराज ने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। डॉक्टर जाकिर नाइक जी को हमने 20 दिनों का टाइम दिया ताकि वो अपने विचार जनता को लाइव बता सके तथा संत रामपाल जी महाराज जी से जनहित में ज्ञान चर्चा करें, लेकिन उनकी तरफ से हमें कोई जवाब नहीं मिला। हम उनको पत्र तथा ईमेल के माध्यम से सूचित कर चुके हैं, अतः हम उनके विचार उनकी DVD कैसेट के माध्यम से आपके सामने रख रहे हैं। हम 9 मार्च से 14 मार्च तक हर पहलू पर रूबरू होंगे। हम डॉक्टर जाकिर नाइक जी से अनुरोध करते हैं कि वो जनता के सामने आकर अपना लाइव पक्ष रखें। दर्शकों, हमारा उद्देश्य आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से पूरे विश्व को यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान तथा सत्य साधना प्रदान करा के भक्त समाज को सही दिशा प्रदान कराना है, जो सर्व धर्म ग्रंथों से प्रमाणित है। विश्व के सर्व धर्म गुरुओं से निवेदन है कि वे हमारे इस जनहित के कार्य को सफल बनाने के लिए तथा भक्त समाज को सही दिशा देने के लिए आगे आए। अब तक जिन भी संत महात्माओं ने हमारे इस खास कार्यक्रम में भाग लिया है, हम उन सभी का धन्यवाद करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में भाग ले रहे मुसलमान धर्म के सुप्रसिद्ध प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक तथा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा को सुनकर आपको स्वयं निर्णय करना है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। दंडवतम गोविंद गुरु, बंधु अभिजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन, नमो जो अगे होए। पुण्यात्माओं, जब आपको ये तत्व ज्ञान होगा तो पता चलेगा कि हम एक ही परमात्मा के बच्चे हैं, हम भिन्न भिन्न नहीं हैं। कोई तो कहता है कि जैसे पवित्र हिंदू धर्म के श्रद्धालु कहते हैं हमारा हिंदू धर्म अच्छा है, और मुसलमान धर्म के श्रद्धालु कहते हैं हमारा मुसलमान धर्म सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। मैं चैलेंज करता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी शख्स सारी दुनिया में एक भी इस्लाम की बुनियादी बात को साबित नहीं कर सकता कि ये इंसानियत के खिलाफ है। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा दावा है। ईसाई धर्म के श्रद्धालु कहते हैं कि ईसाई धर्म सर्वश्रेष्ठ है, और सिख धर्म के मानने वाले श्रद्धालु कहते हैं सिख धर्म सर्वोच्च है। हम क्या कहते हैं, ये दास क्या कहता है, हमारा क्या धर्म है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई धर्म नहीं है न्यारा। जब हम परमात्मा के इस अध्यात्म ज्ञान से पूर्ण रूप से परिचित हो जाएंगे, फिर हमें कोई भी दूसरा दिखाई नहीं देगा, सब अपने से लागेंगे, अपने से दिखाई देंगे। जब तक हम तत्व ज्ञान से परिचित नहीं हैं, तभी तक हम अपने अपने धर्मों को श्रेष्ठ मानते हैं, दूसरे के धर्म को अश्रेष्ठ मानते हैं। ये भी हमारी अध्यात्म ज्ञानहीनता है कि हम धर्म को भी अच्छा और बुरा कहते हैं। धर्म तो अच्छा ही होता है, वो बुरा होता ही नहीं, और जो व्यक्ति धार्मिकता से गिर जाते हैं वो बंदे धर्मी नहीं होते। धार्मिकता के अंदर कौन कौन से पॉइंट आते हैं? नंबर एक, तंबाकू सेवन नहीं करें। नंबर दो, मांस नहीं खावे। नंबर तीन, शराब नहीं पीनी चाहिए एक धर्मात्मा को, पुण्यात्मा को, धर्मी पुरुष को। चोरी नहीं करनी चाहिए, डाके नहीं डालने चाहिए,
जारी पर स्त्री गमन नहीं करनी चाहिए। रिश्वतखोरी, जीव हिंसा, किसी की आत्मा को नहीं दुखाना चाहिए। इन धर्म के नियमों का जो पालन करता है वो धर्मी व्यक्ति है, वो धर्म आत्मा है, वो पुण्य आत्मा है। इनका जो पालन नहीं करता है वो किसी भी धर्म में रह रहा है वह व्यक्ति धर्मी नहीं है, वो पुण्य आत्मा नहीं है, वो धर्म की उन मर्यादाओं को भंग किए हुए हैं। एक भक्त ने एक मुसलमान प्रवक्ता के प्रवचन सुने। उस भक्त ने इस दास से कहा कि मैंने उस मुसलमान प्रवक्ता के प्रवचन सुने, उनकी सीडी मंगाई, सीडी देखी, डीवीडी वीडियो, और उसने एक चैनल भी चला रखा है पीस चैनल के नाम से, और इंटरनेट के अंदर एक यूट्यूब नाम का कोई इंटरनेट सिस्टम है, उसके अंदर भी उसकी वीडियो डाली गई है। उस श्रद्धालु भक्त ने इस दास को कहा कि मैं कुछ उनकी सीडी लाया हूँ, उनके द्वारा लिखी हुई कुछ पुस्तक भी हैं, वो सभी मुझ दास को दी और कहा कि आप उस पर कुछ विवेचन करें। उसने दावा किया है कि मैंने लगभग हिंदुस्तान के अंदर 30-40 हज़ार हिंदुओं को मुसलमान बना दिया। पुण्यात्माओं, परमात्मा पाने के लिए हमने चाहे मुसलमान बनना पड़ो, चाहे हमने हिंदू बनना पड़े, चाहे सिख बनना पड़े, चाहे ईसाई बनना पड़े, हमने बनना ही पड़ेगा, क्योंकि मोक्ष अति आवश्यक है। आत्मा परमात्मा के लिए भटक रही है, जब तक ये परमात्मा से नहीं मिलेगी इसको संतोष नहीं हो सकता। इस दास ने वो सीडी देखी, डीवीडी देखी, सुनी, उस मुसलमान प्रवक्ता श्रद्धालु की पुस्तक भी लिखी हुई पढ़ी। उसने एक बहुत अच्छी बात कही है कि किसी भी धर्म को जानने के लिए ये मत देखो कि उस धर्म के व्यक्ति क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, उसकी अपेक्षा उस धर्म की उन होली बुक्स को देखो, पवित्र पुस्तकों को पढ़ो, और उसी को आधार मान के फिर आप समझो कौन से धर्म में वो पवित्र पुस्तक क्या बोल रहे हैं, उसको आधार मानकर चले। एक और अच्छा विवेचन दिया है कि जिस भी गॉड की, अल्लाह की, भगवान की आप उपासना कर रहे हैं, तो पहले कम से कम ये जांच लो कि वो परमात्मा है भी कि नहीं, उसके बाद फिर पूजा, साधना, उपासना, इबादत करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इसके बिना अगर कोई साधना करता है बगैर किसी जांचे तो वो डगमग व्यक्ति है, उसको फिर बाद में कोई बहका सकता है कि आप, आपका इष्ट, आपका अल्लाह, आपका भगवान ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, तो वो डगमग हो जाएगा। जब तक स्वयं दृढ़ नहीं होगा, अपने धर्म की पुस्तकों से या अन्य धर्म की पुस्तकों से वो निर्णय नहीं कर लेगा, तुलना नहीं कर लेगा कि आप जिस अल्लाह या खुदा भगवान की पूजा कर रहे हो वो भगवान अल्लाह गॉड है भी के नहीं। दर्शकों, अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार, और आइए अब जानते हैं मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अल रसूलिल्लाह वा अला आलि वसाबी अजमईन, अम्मा बाद, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا
بأن مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں, میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں اسلامک طریقے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے تقریر کا موضوع ہے ہندو دھرم اور مذہب اسلام میں یکسانیت. میں نے اس تقریر کے شروع میں قرآن مجید کی ایک آیت سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 کی تلاوت کی, جس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں قل یا اہل کتاب, کہو اہل کتاب سے, تعالوا الی کلمۃ سواء بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ, ہم صرف اللہ سبحانہ وتعالی صرف خدا کی عبادت کرے. ورنہ نشرک بھی شیئوں, ہم خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے. ولا یتخیذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, ہم ہمارے میں سے کسی اور کو خدا کے علاوہ کسی کو رب نہ بنائیں. فنتولو, اگر وہ مڑ جائے, فقل شدو بیننا مسلمون, ہم شہادت دیتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں اور ہم ہماری ساری رضا اللہ کے حوالے کرتے ہیں. یہ قرآن مجید کی آیت کہتی ہے کل یا اہل کتاب, کہو اہل کتاب سے, یہود اور نصارہ سے. یہ آیت خصوصاً اہل کتاب کے لیے ہے, لیکن عام طور پہ یہ کوئی بھی غیر مسلمان کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ, ہم صرف ایک خدا کی عبادت کریں. کوئی بھی مذہب, کوئی بھی دھرم سمجھنے کے لیے ہمیں دھرم کے ماننے والوں کو نہیں دیکھنا چاہیے, کیونکہ اکثر دھرم کے ماننے والے یا مذہب کے ماننے والے خود نہیں جانتے ان کا دھرم یا ان کا مذہب کیا کہہ رہا ہے. سب سے اچھا اور سب سے بہترین طریقہ کوئی بھی دھرم یا مذہب کو جاننے کے لیے ہے کہ اس مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے. اسی لیے اگر ہم ہندو دھرم کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں ہندو کو نہیں دیکھنا چاہیے, ہمیں تحقیق کرنا چاہیے ہندو دھرم کی کتابوں کا. اور سب سے اونچی, سب سے اہم ہندو دھرم کی کتاب ہے وید. یہ وید ہندو دھرم میں سب سے اہم کتاب ہے. اس کے بعد ہے اپنیشد, پرانس, اتہاس, منوسمرتی, لیکن سب سے اہم ہے وید. اگر ہم مذہب اسلام کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں مسلمانوں کو نہیں دیکھنا چاہیے, ہمیں تحقیق کرنا چاہیے مذہب اسلام کے کتابوں کا. اور سب سے اہم کتاب مذہب اسلام میں ہیں قرآن مجید. قرآن مجید سب سے اہم کتاب ہے مذہب اسلام میں. مسلمان دھرم کا پروکتا, اس کا شب نام ہے ڈاکٹر ذاکر نائک, وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی جھوٹا سدھ کر دے تو میں اپنے دھرم کو تیاگ کر اس کا انویائی بن جاؤں گا. تو داس پرارتھنا کرتا ہے کہ اپنے اس وعدے کو یاد رکھنا, بھول نہ جانا. آپ نے کیا کہا کہ سارے دھرموں کے اچھی بات کو لینا چاہیے, بالکل صحیح. مثال کے طور پہ میں نے تقریر کی سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام, تو جو اچھی چیز ہے ہندوازم کی میں لے چکا ہوں. سملیرٹیز بٹوین کرسچینٹی اینڈ اسلام, جو اچھی چیز ہے اس آیت میں لے چکا ہوں. میں یہ پوچھنا چاہتا آپ سے, ایک چیز جو اسلام میں خرابی ہے وہ تو بتاؤ مجھے, تو اس کو نکالیں گے نا. لیکن منچ کے اوپر جب ڈبیٹ ہوئے گا انشاءاللہ میں آؤں گا انشاءاللہ. ہاں, منچ پہ جب ڈبیٹ ہوئے گا کہ ہم کیا کریں گے, ہر مذاہب کی اچھی چیز لوں گے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلام کی طرف سے اس منچ پہ, اس سٹیج پہ انشاءاللہ میں آؤں گا. یہ چیلنج ہے, کوئی بھی شخص ہندوستان میں ہو, منسٹر ہون دو, کوئی بھی سوامی ہون دو, کوئی بھی شنکراچاریہ ہون دو, انشاءاللہ میں طالب علم ہوں,
इस्लाम और दीगर मजहब का। मैं तस्लीम करता हूं कि डिबेट होना चाहिए, हक बात जो निकली, लेकिन उसके ऊपर अमल भी होना चाहिए। हक बात जो सबसे बेहतरीन है इंसानियत के लिए, उसके ऊपर अमल होना चाहिए। इसलिए जो आखिरी किताब जो अल्लाह सुबहाना होता है नाजिल की, कुरान शरीफ, वो इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन किताब है, उसके ऊपर अमल होना ही चाहिए। मैं आपका सलाम करता हूँ। मैं हिंदू के घर की हूँ, मेरा आदमी मुसलमान है, मोहम्मद हामिद कुरैशी। मैं ये सवाल पूछता हूँ जे पुरखों से ये जात भेद का चल रहा है, तो हिंदू मुसलमान आप बोलते हो जे हिंदू मुसलमान अलग अलग नहीं है, एक है, ये बात है। उसका सलामी दिया जाता था, जो मुस्लिम बच्चा होता है उसको मुस्लिम सलामी दे देता है, जब भी उसका कान में नमाज दिया जाता है, और जब भी हिंदू का बच्चा होता है उसका नाम पे नाम दिया जाता है, कृष्ण नाम दिया जाता है या राम नाम दिया जाता है, जो भी दिया जाता है, जिसको जैसा शिक्षा देता है उसको वैसे ही शिक्षा मिलता है। जैसा गाया गया पंच भगवान को मानते है, हम मुसलमान धर्म को भी मानते है, ऐसा नहीं मानते नहीं, हमें जैसा शिक्षा दिया गया वैसे ही शिक्षा में मैं मानता हूँ। मगर आप बोलते हो जो मुसलमान ही होएगा हिंदू नहीं हो सकता है, ऐसा कैसे बोल सकते हो? तो पुरखों इतनी बुरे लोग थे, इतनी जानते है, तो आप आपके साथ तो बहस लड़ नहीं सकते, आप बहुत जानते हो, तो मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। हमारे बाप दादा इन्होंने देख हिंदू। बहन का सवाल है और मुझसे बहस नहीं करना चाहती है, मैं भी आपसे बहस नहीं करना चाहता हूँ। कर नहीं सकते कैसे, हमें उतना शिक्षा नहीं है, उतना बोल नहीं सकते है ना। बहन का सवाल है कि मैं कहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम एक है, लेकिन जो हिंदू खानदान में पैदा होता है उस हिंदू खानदान में पैदा होता है मुस्लिम की शिक्षा दी जाती, तो ये कैसा कह सकते हैं कि मुस्लिम सही और हिंदू गलत? ये बहन तुम्हें होती है, चार होता है माशाल्लाह, तो ये मत कहो कि आपको शिक्षा नहीं है। अगर गांव से कोई आती है लड़की और कहती है कि मेरे वालिद ने मुझे सिखाया 2 + 2 = 5, तो आप क्या कहेंगे उससे? चार होगा 5 कैसा? तेरे वालिद को मैथमेटिक्स नहीं आती थी? नहीं, मेरे वालिद ने तो सिखाया, उन्हें कहेंगी अच्छा ठीक है 2 + 2 = 4 भी 2 + 2 = 5 भी। ये कहना गलत है, दोनों में से तहकीक करने पड़ेगा कौन सा सही है, उसके ऊपर अमल करें। नहीं नहीं आती हूँ, किसे मुस्लिम भी से 2 + 2 = 5, आप जो नहीं जानते 2 + 2 = 4 है, वो कहते 5 है। तो क्योंकि खुदा ने आपको इल्म दिया, अकल दिए, आपका फर्ज है कि आप उनसे कहे बहन जी 2 + 2 = 5 नहीं 2 + 2 = 4 है, फिर वो कहेंगे अच्छा अच्छा दोनों सही है, तो आप बोलेंगे नहीं दोनों सही नहीं, दो थे। उसी तरीके से अगर किसी के वालदे ने उसे गलत सिखाया कि बुत परस्ती करना, जब हिंदू मजहबी किताब में कहा गया है कि बुत परस्ती गलत है, तो जिसके पास इल्म है, मैं तालिब इल्म हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं इस्लाम एंड कंपैरेटिव रिलीजन का, तो मुझे जब इल्म है मैं जरूर कहूंगा जो लोग से जो गलत कह रहे हैं फॉलो करो। मेरे हिंदू मजहब के, क्रिश्चियन मजहब के, ईसाई मजहब से, उसे कहते डायलॉग, मैं स्टूडेंट, वो पीएचडी डॉक्टर, मैं उनसे डिस्कशन करता हूं, डायलॉग करता हूं, डिबेट करता हूं, अगर मुझे गलत साबित करो मैं बदलने को तैयार हूं। आप मुझे साबित करो, चैलेंज। दर्शकों, अभी आपने सुने मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। अब आपको दिखाते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक नाम के एक मुसलमान वक्ता हैं, उनका और पूरे मुसलमान धर्म का मानना है कि परमात्मा निराकार है, बॉडी लेस है, उसकी बॉडी नहीं है, और अपने इस वचन की पुष्टि के लिए, अपने इस ज्ञान की पुष्टि के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने वेदों और उपनिषदों का समर्थन लिया है। वो दिखाते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक के प्रवचनों से भी और उन प्रवचनों से बनी हुई उनकी पुस्तकों से वो परमात्मा को कैसा मानते हैं।
डॉक्टर जाकिर नायक जी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक इस्लाम और हिंदू धर्म में समानताएं, इसका नाम है। इसमें दिखाते हैं ये पुस्तक इनकी वीडियो कैसेट से डिटो कॉपी की गई है। ये देखिएगा पुस्तक डॉक्टर जाकिर नायक की इस्लाम और हिंदू धर्म में समानताएं। इस्लाम और हिंदू धर्म में समानताएं, डॉक्टर जाकिर नायक, अनुवादक हैं A.M. फहीम जी, यहाँ से छपी है और ये इसका पूरा डिटेल है। कॉपीराइट 2008 ऐसे। ये यहाँ से छपी है, 2012 का संस्करण है, लेटेस्ट। प्रकाशक है A.M. फहीम अल हसनात बुक्स प्राइवेट लिमिटेड। ये इतने इतने इस पुस्तक में दिए गए सारे हवाले और मजमून की पूरी सारी जिम्मेदारी से लेखक की है। अगर किसी को कोई बात समझना हो या कोई एतराज़ हो तो इस विषय में किताब के लेखक डॉक्टर जाकिर नायक साहब से इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और इनके फैक्स नंबर भी हैं। प्रिंटेड बाई HS ऑफसेट प्रिंटर्स, चांदनी महल, नई दिल्ली। इतने यहाँ देखना, भगवत गीता के सातवें अध्याय के 20 श्लोक का रेफरेंस दिया है। भगवत गीता हिंदू ग्रंथों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। भगवत गीता अध्याय 7 के 20 श्लोक में लिखा, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं ने चुरा ली है वही अर्ध देवताओं की पूजा करते हैं। अर्ध यानी अधूरे देवताओं की पूजा करते हैं, अर्ध। अब इस पुस्तक से हमने इतना ही लेना है। अब आपको दिखाते हैं इंग्लिश के अंदर एज इट इज इसी की स्पीच है। ये देखिएगा, सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुज्म एंड इस्लाम, डॉक्टर जाकिर नायक। ये है वही, सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुज्म एंड इस्लाम बाय डॉक्टर जाकिर नायक, फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड। सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुज्म एंड इस्लाम, डॉक्टर जाकिर नायक, एडिशन 2008 का, रुपये 40, मूल्य 40। फरीद बुक प्रिंटेड बाय मोहम्मद नासिर खान फोर, फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, स्ट्रीट पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। इतने इतने इनके और ब्रांचेज, ये सारा डिटेल दे रखे, प्रिंटेड इन फरीद एंटरप्राइजेज, दिल्ली 6। ठीक, अब इसके हम आपको ले चलते हैं इस पुस्तक के पेज नंबर 10 पर। यहाँ से पढ़ते हैं भगवत गीता का वही अध्याय नंबर 7 के, द मोस्ट पॉपुलर अमंगस्ट ऑल द हिंदू स्पिरिचुअल्स इज द भगवत गीता। द भगवत गीता मेंशन अध्याय चैप्टर 7 मंत्र 20, इसका रेफरेंस देख रहे, इन्होंने क्या सिद्ध किया है कि दोज हुज इंटेलिजेंसी हैज बीन स्टोलन बाई मेटेरियल डिजायर्स वर्शिप डम्मी गॉड्स, डम्मी गॉड्स अधूरे भगवानों की पूजा करते, दैट इज हुज हु आर द मेटेरियलिस्टिक दे वर्शिप डम्मी गॉड्स, यानी आई ई ओदर एज डैट इज बिसाइड्स द ट्रू गॉड। अब ये कहने का भाव ये है कि कुछ तो हिंदू सच्चे भगवान यानी ब्रह्म की पूजा जो एक मानते हैं उसकी करते हैं, और अधिकतर यानी जो हिंदू हैं वो डम्मी गॉड, अधूरे अर्ध गॉड यानी इनकम्प्लीट गॉड की भक्ति करते हैं। अब जो कंसेप्ट क्लियर करने दास जा रहा है कि भगवान को मुसलमान धर्म के व्यक्ति, वैसे तो पूरे विश्व के व्यक्ति सभी निराकार कहते हैं,
क्योंकि तत्वज्ञान उनको है नहीं। तो मुसलमान धर्म के ऊपर आज प्रवचन चल रहे हैं, तो मुसलमान धर्म के व्यक्ति परमात्मा को बॉडीलेस मानते हैं, निराकार मानते हैं, बेचून कहते हैं। परमात्मा निराकार है, इसका समर्थन हजरत मोहम्मद जी ने भी किया हुआ है। देखिएगा एक पुस्तक, हजरत मोहम्मद, हजरत सल्लल्लाह मोहम्मद और भारतीय ग्रंथ, ये कहाँ से है, लेखक है डॉक्टर एम ए श्रीवास्तव, मधुर संदेश संगम नई दिल्ली से छपा है। ये कहाँ से छपा है देखिएगा, यहाँ संदेश सीरीज मधुर संदेश संगम, ये प्रकाशन इतने इतने नाम किताब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भारतीय धर्मग्रंथ, लेखक है डॉक्टर एम ए श्रीवास्तव, प्रकाशक मधुर संदेश संगम, अबुल फजल इंक्लेव, जामिया नगर नई दिल्ली से, फ़ोन नंबर इतने इतने। मिलने का पता है MMI पब्लिशर्स, D 307 अबुल फजल इंक्लेव, जामिया नगर नई दिल्ली, ये यहाँ से। मुद्रक हैं HS ऑफसेट प्रिंटर्स नई दिल्ली 2। इसके प्रश्न नंबर दिखाते हैं आपको, इसके प्रश्न नंबर 6 पे क्या बताया है कि आप यानी सलल हजरत मोहम्मद ने बताया कि इंसान का ईश्वर केवल एक है और वह निराकार है, ठीक है। और इसी कारण है डॉक्टर जाकिर नायक जी भी कहते हैं वेदों का हवाला दे करके कि देखो यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र 8 में भगवान को बॉडीलेस बताया है, डॉक्टर जाकिर नायक जी कहते हैं। लेकिन यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में केवल अकाय नहीं है, अकायम शब्द नहीं है, शुक्रम अकायम असनाविरम, तो शुक्रम अकायम का अर्थ होता है कि माता पिता के जो संयोग से बना हुआ, वीर्य से बना हुआ उसका शरीर नहीं है, उसके शरीर में नाड़ी तंत्र नहीं है, बॉडी तो स्वयंभू है, परिभू है, उसी मंत्र में लिखा। फिर भी डॉक्टर जाकिर नायक का, हजरत मोहम्मद जी का ये मानना है कि परमात्मा निराकार है। और आगे देखो इसका कंप्लीट इन्होंने कंसेप्ट भी क्लियर कर दिया है कि जो हम कह रहे हैं, डॉक्टर जाकिर नायक जी कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं कि परमात्मा निराकार है, उसी के समर्थन में उन्होंने वेदों के कुछ मंत्र लिए हैं और उसमें उदाहरण दिया है कि इन वेदों में भी ऐसा ही कहा गया है और हिंदुओं ने ही उसका अनुवाद किया हुआ है, अपने समर्थन में लिए गए उनके प्रवचन दिखाते हैं इसी बुक में। ये इंग्लिश एडिशन है, सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुज्म एंड इस्लाम, ये पुस्तक है डॉक्टर जाकिर नायक की। इसके हम प्रश्न नंबर 10 पर पढ़ रहे थे, ये हमने पढ़ लिया डमी गॉड्स के बारे में। यहाँ देखो नीचे यजुर्वेद चैप्टर 40 और मंत्र नंबर 8 में क्या कहा है कि इट इज मेंशन्ड इन यजुर्वेद चैप्टर 40 वर्स 8, ही इज बॉडीलेस एंड प्योर, यानी परमात्मा बॉडीलेस है, उसका शरीर नहीं है, उसकी काया नहीं है, वो ठीक है और शुद्ध है। अब देखिएगा यह है खुद बात डॉक्टर जाकिर नायक, यानी डॉक्टर जाकिर नायक के अपने वचन, ये एक पुस्तक है हिंदी अनुवाद, मौलाना मोहम्मद इमरान कासिम बिगानवी, फरीद बुक डिपो दिल्ली इतने, सर्वाधिकार प्रकाशक के लिए सुरक्षित है। नाम किताब खुद बात डॉक्टर जाकिर नायक, उर्दू अनुवाद सैयद रोहन शाह, तरतीब एवं संकलन अमर शहीद, हिंदी अनुवाद मौलाना मोहम्मद इमरान कासिम, संयोजक अल हाज मोहम्मद नासिर खान, 2100 तादाद यानी संख्या, प्रकाशन 2011 का, कंपोजिंग इमरान कंप्यूटर मुजफ्फरनगर, प्रकाशक फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, 2158 MP स्ट्रीट पटौदी हाउस दरियागंज।
नई दिल्ली इतनी इतनी। अब यहां देखिएगा 186 पे कहा है, उसको देखा नहीं जा सकता, कोई भी उसे आंखों से नहीं देख सकता, ठीक है। यहां देखिएगा, खुद बात डॉक्टर जाकिर नायक एक 187 पृष्ठ पे, दुनिया के धर्मों में खुदा का तस्वर, यहां देखा, वह बगैर जिस्म के है और सच्चा है, यह यजुर्वेद 40 का मंत्र 8 में बयान किया गया है। वह रोशन है बगैर जिस्म के, बगैर जख्म के और बगैर जिस्मानी सेल्स के, ऐसा खालिस कि जिसमें शैतान नहीं झांक सकता, ठीक। अब कहने का तात्पर्य डॉक्टर जाकिर नायक जी का है कि परमात्मा निराकार है, वो बिना शरीर का है, बॉडी लेस है, उसको कोई नहीं देख सकता। तो निराकार का देखा कि, और पुण्यात्माओं वास्तविकता क्या है कि परमात्मा नर आकार है, मनुष्य सदृश है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। और डॉक्टर जाकिर नायक जी क्या मानते हैं, परमात्मा निराकार है। तो इसे सिद्ध है कि ये विद्वान नहीं है, ये अपने आप भी भ्रमित है और अन्य मानव समाज को भी भ्रमित कर रहा है, पूरे मुसलमान समाज को भ्रमित कर रहा है। अब पुण्यात्माओं कहते हैं जिनके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता वो उवाबाई बखते हैं। अब आपके रूबरू डॉक्टर जाकिर नायक के उन प्रश्नों के उत्तर देते हुए एक क्लिप दिखाते हैं, वीडियो क्लिप, जिसमें किसी ने प्रश्न किया कि क्या हमने सुना है परमात्मा जर्रे जर्रे में है, क्या उसको देखा जा सकता है। डॉक्टर जाकिर नायक जी उसका उत्तर देते हैं कि अल्लाह को यहां नहीं देखा जा सकता, और फिर कहते हैं कुरान शरीफ में ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि अल्लाह को देखा जा सकता है। फिर वो कहते हैं कि एक हदीस में आया है, एक बुक है हदीस, उसमें आया है कि अल्लाह को जन्नत में जाके उसका चेहरा देख सकते हैं। अब सुनते रहना इनकी उवा बाई। दर्शकों, अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार, और आइए अब जानते हैं मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नायक जी के विचार। माइक नंबर 3 में अगर कोई नहीं हो तो हम माइक नंबर 4 में हमारा इंतजार कर रही हैं खातून, हम उनको मौका देंगे। मैं बैजनाथ गुप्ता जी बोल रहा हूँ, और मेरा कहना है कि अल्लाह रखता है क्या शरीफ सुना, अल्लाह अगर अल्लाह जर्रे जर्रे में है, खुदा जर्रे जर्रे में है, तो क्या देखा जा सकता है क्या अल्लाह किधर, खुदा को देखा जा सकता है, अल्लाह को देखा जा सकता है, अल्लाह किधर आपने कहा, घरे दबे जर्रे जर्रे में मौजूद है। हाँ भाई साहब ने कहा कि अगर अल्लाह हर जगह हर जर्रे जर्रे में मौजूद है, हर जर्रे जर्रे में मौजूद है, कुरान के मुताबिक अल्लाह की ताकत अल्लाह का इल्म सब जगह मौजूद है, अल्लाह लेकिन अर्श पे बैठे हैं। तो ये कहना अल्लाह सब जगह मौजूद है ये इस्लाम की तालीम में नहीं है, ये हिंदू की तालीम में है कि आप अल्लाह को देख सकते नहीं। इंसान इस दुनिया में इस जिंदगी में अल्लाह को देख ही नहीं सकते, और उसकी मिसाल पेश है कुरान मजीद में, जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू फरमाते क्या मैं आपको देख सकता हूं, तो अल्लाह को तो देखा नहीं उनने, सिर्फ पहाड़ को देख के बेहोश हो सकते। तो इंसान इस जिंदगी में अल्लाह सुब्हानहू तआला को नहीं देख सकता, इंशाअल्लाह अगली जिंदगी में इंशाअल्लाह जब हम जन्नत में जाएंगे वहां इंशाअल्लाह हम अल्लाह का वच देखेंगे। ये कई हदीस में इसका जिक्र है कि हम अल्लाह का चेहरा देखेंगे, इसीलिए हम कोशिश करते इस इम्तिहान इस दुनिया के इम्तिहान में सफलता पाए, इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे और वहां अल्लाह का वच देखेंगे अल्लाह का। Should we have the next question from the brother again? In prayers, is it right to pray to God to ask him that I want to see you? The brother asked the question that is it right in prayers to ask God that I want to see you?
If you say, I want to see you in the next life, it's acceptable. If you say, I want to see you in this life, it's not possible. Because there's a verse in the Quran, which is mentioned in Surah Taha, that Musa alayhi salam, the messenger of God, he said, I want to see God. So God said, look at the mountain. I will show my glimpse to the mountain. You look at the mountain, what happens? So the moment God showed a glimpse to the mountain fell at a ruin, and Moses, peace be upon him, fainted. You cannot see God in this world. In this life, you cannot. But on the day of judgment, there are many sayings of the Prophet that in Jannah, we would love to see the face of Allah subhanahu wa ta'ala, face of Almighty God. And that would be a pleasure for us. So if you pray that may you see Allah in the next life, in Jannah, inshallah, very good prayer. But you can't see Almighty God in this world. Hope that's the question. Agar sawal hai ki khane kaaba khuda ka ghar hai. Woh tum kya hai, baitullah kehte hain. Baitullah matlab Allah subhanahu wa ta'ala ka ghar. Woh ek kehne ki baat hai aur woh ghar hai. Lekin aisa nahi ki अल्लाह सुबहाना ताला उसमें रह रहे हैं और सिर्फ वहीं होते हैं, वो तो हर जगह हैं, वो रहते हैं फिजिकली, वो ऊपर है, उनका इल्म सारी जगह है, बल्कि हर जगह है, ऊपर क्या हर जगह है, इल्म इल्म सारी जगह है, इल्म और उनका पावर, उनकी कुवत सारी जगह है, लेकिन है तो ऊपर, तो घर कहना मतलब दैट इज मेटाफोरिकली एक अलामत के तौर पर इस्तेमाल हुई। दर्शकों, अभी आपने सुने मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। डॉक्टर जाकिर नाइक जी केवल झूठ बोल रहे हैं, गलत एग्जाम्पल कोड कर करके दुनिया को, भोली जनता को एक बार लतीफेदार बातें सुना करके अपने पीछे लगा रहे। अध्यात्म मार्ग इनके पास शून्य है। पुणात्माओं, डॉक्टर जाकिर नायक जी का ये उदाहरण भी कति व्यर्थ है, यूजलेस है, निराधार है। इसने कसम खा रखी है कि जो कहूँगा झूठ कहूँगा और झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूँगा। पहले तो पुण्यात्माओं, ये चार किताबों को आसमानी बुक मानते, होली बुक, पवित्र किताब। नंबर एक तौरेत, नंबर दो जबूर, और नंबर तीन इंजिल, और चौथी नंबर चार कुरान शरीफ। इसके अतिरिक्त जो हदीफ है वो हजरत मोहम्मद जी के अपने वचन हैं, वो आसमानी किताब नहीं है, क्योंकि हजरत मोहम्मद जी को परमात्मा लेकर गए थे। हजरत मोहम्मद जी ने कहीं आंशिक वो जिक्र कर दिया होगा, लेकिन मुसलमान धर्म का ये मानना है गॉड इज फॉर्मलेस, बॉडी लेस। फिर क्या उत्तर देते हैं? कोई इनसे प्रश्न कर रहा है पीस टीवी पर, प्रश्न किया कि खाना जो है यानी काबा, वो अल्लाह का घर बताया जाता है। तो डॉक्टर जाकिर नायक जी उत्तर दे रहे हैं कि वैसे तो कहने को वो अल्लाह का घर है, लेकिन अल्लाह वहाँ विराजमान थोड़ा ही है, वो तो फिजिकली बैठा ऊपर फिजिकली। अगला सवाल ये है कि खाने काबा खुदा का घर है, वो तुम क्या कहते हैं, बैतुल्लाह कहते हैं, बैतुल्लाह मतलब अल्लाह सुभान व तआला का घर, वो एक कहने की बात है और वो घर है, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं कि अल्लाह सुबहाना ताला उसमें रह रहे हैं और सिर्फ वहीं होते हैं, वो तो हर जगह हैं। जिस वो रहते हैं फिजिकली वो ऊपर है, उनका इल्म सारी जगह है, बल्कि हर जगह है, ऊपर क्या हर जगह है, इल्म इल्म सारी जगह है, इल्म और उनका पावर, उनकी कुवत सारी जगह है, लेकिन है तो ऊपर, तो घर कहना मतलब दैट इज मेटाफोरिकली एक अलामत के तौर पर इस्तेमाल हुई। डॉक्टर जाकिर नायक जी, आप फिजिकली का वर्णन अर्थ तो खूब जानते होंगे, इंग्लिश बहुत बोलते हो। आपको दिखाते ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, जिसमें फिजिकली का क्या अर्थ होता है, ये देखिएगा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, एडिटर हैं डॉक्टर सुरेश कुमार, डॉक्टर रमेश साही, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। ये देखिएगा 881 पृष्ठ पे, फिजिकल, यहाँ देखिएगा शारीरिक, फिजिकल शारीरिक, और फिजिकली शारीरिक रूप से, फिजिकली शारीरिक रूप से। वाह जी वाह, डॉक्टर जाकिर नायक जी केवल झूठ बोल रहे हैं, गलत एग्जाम्पल कोड कर करके दुनिया को, भोली जनता को एक बार लतीफेदार बातें सुना करके अपने पीछे लगा रहे। अध्यात्म मार्ग इनके पास शून्य है। पुण्यात्माओं,
डॉक्टर जाकिर नायक ने कसम खा रखी है कि जो कहूँगा झूठ कहूँगा और झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूँगा। तो इसको कहते हैं उवाबाई सटदल उवाबाई बकदा। वास्तविकता तो ये है कि परमात्मा सचमुच साकार है, उसका शरीर है, लेकिन ये अपरिचित है, ये झूठा है जाकिर नायक, इसको कख भी पता नहीं है। और वह कहते हैं चोर चुरावे तुम्बड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे ना सच्चाई छनी ना। अब इनको कख तो पता नहीं, लेकिन सच्चाई तो मुँह से निकल कर रहेगी, अपने मुँह से स्वीकार कर रहा है कि सह शरीर वो ऊपर बैठा है और खुद मानता परमात्मा बॉडीलेस है, निराकार है, उसका जिस्म नहीं है। अब आपको दिखाते हैं इंग्लिश के अंदर एज इट इज इसी की स्पीच है, ये देखिएगा। सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुज्म एंड इस्लाम, डॉक्टर जाकिर नायक, ये है वही। सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुज्म एंड इस्लाम बाय डॉक्टर जाकिर नायक, फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड। सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुज्म एंड इस्लाम, डॉक्टर जाकिर नायक, एडिशन 2008 का, रुपये 40, मूल्य 40, फरीद बुक प्रिंटेड बाय मोहम्मद नासिर खान फोर, फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, स्ट्रीट पटौदी हाउस, दरियागंज नई दिल्ली, इतने इतने इनके और ब्रांचेज, ये सारा डिटेल दे रखे, प्रिंटेड इन फरीद एंटरप्राइजेज दिल्ली 6। ठीक, अब इसके हम आपको ले चलते हैं इस पुस्तक के पेज नंबर 10 पर। यहाँ देखो नीचे यजुर्वेद चैप्टर 40 और मंत्र नंबर 8 में क्या कहा है कि इट इज मेंशन्ड इन यजुर्वेद चैप्टर 40 वर्स 8, ही इज बॉडीलेस एंड प्योर, यानी परमात्मा बॉडीलेस है, उसका शरीर नहीं है, उसकी काया नहीं है, वो ठीक है और शुद्ध है। अब देखिएगा ये है खुद बात डॉक्टर जाकिर नायक, यानी डॉक्टर जाकिर नायक के अपने वचन, ये एक पुस्तक है, हिंदी अनुवाद मौलाना मोहम्मद इमरान कासिम विज्ञानवी, फरीद बुक डिपो दिल्ली, इतने सर्वाधिकार प्रकाशक के लिए सुरक्षित है। नाम किताब खुद बात डॉक्टर जाकिर नायक, उर्दू अनुवाद सैयद रोहन शाह, तरतीब एवं संकलन अमर शहीद, हिंदी अनुवाद मौलाना मोहम्मद इमरान कासिम, संयोजक अल हाज मोहम्मद नासिर खान, 2100 तादाद यानी संख्या, प्रकाशन 2011 का, कंपोजिंग इमरान कंप्यूटर मुजफ्फरनगर, प्रकाशक फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, 2158 MP स्ट्रीट पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली, इतनी इतनी। अब यहाँ देखिएगा 186 पे कहा है उसको देखा नहीं जा सकता, कोई भी उसे आँखों से नहीं देख सकता, ठीक है। यहाँ देखिएगा खुद बात डॉक्टर जाकिर नायक, 187 पृष्ठ पे, दुनिया के धर्मों में खुदा का तस्वर, यहाँ देखा वह बगैर जिस्म के है और सच्चा है, यह यजुर्वेद 40 का मंत्र 8 में बयान किया गया, वह रोशन है बगैर जिस्म के। तो खा के इसके पास इसकी 10 झूठ आपके सामने पेश करूंगा, तो इससे प्रार्थना करता हूं कि अपना वायदा याद रखना, जिसमें कहता है कोई मुझे गलत सिद्ध कर दे मैं अपना धर्म बदल लूंगा, और उसका चैलेंज करता हूं। अब याद रखना इस बात को। अब आजा जल्दी हर ग्रहण कर ले, अपना कल्याण करवा ले डॉक्टर जाकिर नायक जी। डॉक्टर जाकिर नायक मुसलमान की झूठ यानी गलती ये कहते हैं कि हम एक सुप्रीम गॉड यानी अल्लाह ताला, अल्लाहु अकबर, उस बड़े अल्लाह की पूजा करते हैं
और वो किसको मानते हैं अपना? अल्लाह ताला, जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया। और कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कहता है सूरत फुरकान 25 में आयत नंबर 52-59 में स्पष्ट कर देता है कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो पूर्ण परमात्मा है। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लो। तो कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कंप्लीट गॉड नहीं है, अल्लाह ताला नहीं है। वो तो उसकी जानकारी भी नहीं रखता, वो तो उसकी जानकारी किसी अन्य बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से पूछने की कह रहा है। वो तत्वदर्शी संत ये दास है, अपने अवैध अनुसार आओ और अपना कल्याण कराओ डॉक्टर जाकिर नायक जी। उस पूर्ण परमात्मा ने उस तत्व ज्ञान में कहा है हम मोहम्मद को वहाँ ले गयो, इच्छा रूपी वहाँ नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद महल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। कहते हैं जब हजरत मोहम्मद जी ऊपर से वापस आए, कहते हैं उन्होंने 3 चीज बताई आपको, रोजा बंग और नमाज। बिस्मल करने का आदेश ऊपर से अल्लाह का नहीं लेकर आया वो। कहते हैं हम मोहम्मद को वहाँ ले गयो, इच्छा रूपी वहाँ नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद महल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया। कहते हैं रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। कहते हैं मारी गऊ शब्द के तीरम, और ऐसे होते मोहम्मद पीरम, और शब्द फिर जवाई, हंसा राख्या मांस नहीं बख्या, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। एक बार हजरत मोहम्मद जी ने अपने वचन से शब्द से सिद्धि से एक गाय को मार दिया और सभी लोग इकट्ठे हो गए और कहा कि अब इसको मैं शब्द से ही जीवित करूँगा। हजरत मोहम्मद जी ने वचन से ही उस गाय को जीवित कर दिया था। तो यहाँ उस सूक्ष्म वेद के अंदर स्वयं परमात्मा ने आके बताया है कि मारी गऊ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम, और शब्द फिर जवाई, अंसा राख्या यानी उसका जीव बचा दिया और मांस नहीं बख्या, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। और तुम मांस खाते हो उसकी आड़ लेकर के, नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करत चलाया, अरस कुरस पर अलह तकत है खालक बिन नहीं खाली, और वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली।